ladies and gentlemen, Urmila Kothari with us. Can we have a big round of applause? Welcome Urmila ji, 92.7 Big FM Chaya. PR area madhe jithe hi gudi ubhadya dalie swagat hai. Thank you. Gudi padva badal tumcha kahi memories amcha baro share kar. Gudi padva apla हिंदू कैलेंडर प्रमाणे आपला नवीन वर्षाचा दिवस असतो आणि इट इज अ न्यू इयर आणि नवीन वर्षी नेहमीच चांगल्या गोष्टींचा विचार करायला हवा. चांगल्या गोष्टी आपल्याबरोबर पुढच्या वर्षात घडाव्यात हे ह्याच पॉझिटिव्ह थॉटनी आपण पुढे गेलं पाहिजे. सो आय थिंक इवन आय एम थिंकिंग व्हेरी पॉझिटिव्ह अबाउट द कमिंग इयर. राईट, लवली. असा एखादा रेझोल्युशन जो तुम्हाला आठवत आहे, जो गुढीपाडव्याच्या दिवशी तुम्ही कधी केला आहे अँड देन यू फॉलोड इट अप? रेझोल्युशन केले की ते नेहमी मोडले जातात आपल्याकडनं, पण आपण सक्रिय काम केलं पाहिजे आणि काम करत राहिलं पाहिजे आणि कायम आपण जे करतो त्याच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे, मग नक्कीच आपल्याला सक्सेस मिळतो. बिग एफएम इज गोइंग टू बी लाइव्ह फ्रॉम दादर सिद्धिविनायक मंदिर एंड 92.7 बिग एफएम इज दी ओनली रेडियो स्टेशन जो गुड़ी पाड़वा के दिन बिल्कुल लाइव होता है दादर सिद्धि विनायक मंदिर से. तो जो हमारा स्टूडियो है इसको हम पूरा का पूरा शिफ्ट कर रहे हैं दादर सिद्धि विनायक मंदिर से, और वहां पर मुंबई कर क्या चाहते हैं, पप्पा से क्या कहना चाहते हैं वो उनसे जानने वाले हैं. एंड जैसे उर्मिला जी आज यहाँ पर जुड़ी है, वैसे और भी जानी मानी हस्तियां हैं जो दादर सिद्धि विनायक मंदिर में हमारे साथ जुड़ने वाली है. तर आशादी अशी एखादी विश मुंबई साठी, इफ आई आस्क यू विच यू वुड लाइक टू यू नो आस्क पप्पा. मुंबईसाठी मला बाप्पाकडनं एकच महत्वाची प्रार्थना करायची आहे, ती म्हणजे आपले रस्ते. मला वाटतं आपल्या सगळ्यांचीच मनोमनी ही इच्छा आहे आणि आपण रस्ते आणि ऑब्व्हियसली स्वच्छता. मला काल इनफॅक्ट फार आय वॉज प्लेझंटली सरप्राईज्ड. मुंबईचा विषय निघाला म्हणून सांगते की मी माझ्या गाडीतनं जात होते आणि माझ्या गाडीत काहीतरी खाण्याचा पदार्थ माझ्या सीटवरती सांडला आणि माझं असं झालं की अरे, आणि मग मी गाडी थांबवली साईडला आणि अचानक मी बघितलं आणि मला तिथे ड्राय वेस्ट आणि वेट वेस्टचे असे दोन डस्टबिन सेपरेट सेपरेट असे दिसले, म्हणजे माझ्या गाडीच्या बाजूलाच. म्हणजे असे अनेक असतील आता मुंबईत. परत मला काल संध्याकाळी नरिमन पॉइंटला सुद्धा दिसले अँड आय वॉज, मला असं खरंच वाटलं की मी खरंच मुंबईतच आहे का काय. आणि म्हणजे आय डिड नॉट हॅव टू थ्रो द ऑल द ट्रॅश ऑन द रोड आणि मला तो डस्टबिन मिळाला आणि मी त्या डस्टबिनमध्ये ते सगळं टाकू शकले. सो नक्कीच ही एक पॉझिटिव्ह लक्षण आहे हे. सो स्वच्छता जशी आपण बाहेरगावी गेल्यानंतर पाळतो आणि का तर त्यांचे रूल्स आपल्याला, त्यांचे फाईन लागतील आपल्याला म्हणून आणि मग डॉलरमध्ये पैसे द्यावे लागतील आपल्याला म्हणून आपण तिथे जाऊन हे सगळे रूल्स पाळतो. तर मला वाटतं आपण आपल्याच देशामध्ये आणि आपल्या मुंबईत राहून आपण हे रूल्स पाळायला काहीच हरकत नाही. ॲब्सोल्युटली ॲब्सोल्युटली. और यही सही तरीका भी है किसी त्योहार को मनाने का. और गुड़ी पाड़वा के दिन अगर हम ये विश करते हैं कि हमारी मुंबई क्लीन रहे, ग्रीन रहे, तो इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है. उर्मिला जी, हा जो नवीन शो आहे सरगम झी युवावर, त्याबद्दल आम्हाला सांगा. व्हेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट इट. एकदम जो फील आहे प्रोमो वगैरे बघून, इट्स रिअली अमेझिंग. टेल अस अबाउट इट. झी युवावरती सरगम हा शो आता 1 मार्चपासून ऑन एअर झालेला आहे आणि आपली सगळ्यांचीच आवडती मराठी गाणी आपण अत्यंत वेगळ्या ढंगात आणि आपण ऐकलेली असतात ती ती धून सेम असते, त्या धून किंवा त्या क्रिएशनच्या मूळ गाभ्याला धक्का न लावता काहीतरी वेगळं त्या अरेंजमेंटमध्ये करण्याचा प्रयत्न आपले म्युझिक प्रोड्युसर्स करत आहेत. कमलेश भडकमकर आपले बहुतांशी एपिसोडचे म्युझिक डिरेक्टर्स आहेत. त्याशिवाय आपले 2 एपिसोड जे शंकर महादेवनजींचा एपिसोड आता तुम्ही बघितला, त्याचे म्युझिक प्रोड्युसर्स होते सिद्धार्थ महादेवन आणि सौमिल शृंगारपुरे. सो आमच्याकडनं एक वेगळा प्रयत्न आहे प्रेक्षकांना आपलंच म्युझिक ऐकवण्याचा आणि त्याला अत्यंत उत्तम प्रतिसाद मिळतो आहे प्रेक्षकांकडनं आणि प्रेक्षकांना हा शो खूप आवडतो आहे हे जाणून घेऊन पण खूप बरं वाटतं आहे. आमचं आर सोशल मीडियाज आर फ्लडेड विथ कॉम्प्लिमेंट्स. सो आय विल रिअली ओव्हरवेल्म्ड.
वंडरफुल सो ऑल द बेस्ट टू सरगम जी युवा पाहायला विसरू नका तुम्ही मस्त अशी गुडिया मी उभारली आहे लेकिन सरगम की बात चलिए तो डू यू एट ऑल सिंग कुछ गाती हैं आप मराठी गाना एखादी लाइन वगैरह वुड यू लाइक टू सिंग सुनना चाहेंगे आप लोग मी नाही गात मी ऑनेस्टली नाही गात पण आपण आता नवीन वर्षात हे ही एक संकल्पना करायला हरकत नाही सरगमच्या निमित्ताने मला गाणं शिकायला सुद्धा आवडेल सो आपण आता गुडी ऑफकोर्स हिंदी में बोलना है हिंदी जी युवा इस वाहिनी पर हमारा एक नया शो कोठारे विजन प्राइवेट लिमिटेड ये हमारी कंपनी है प्रोडक्शन हाउस हमारा शो है जिसका नाम है सरगम वो एवरी वेडनेसडे और थर्सडे रात को 9 बजे आ रहा है सभी मराठी पॉपुलर गाने जो है वो थोड़े अलग ढंग से प्रेजेंट किए जा रहे हैं ये शो पर और 1 मार्च को ये शो ऑन एयर हुआ है और हमें बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है ऑडियंस से एंड ऑडियंस इज़ लविंग द शो ये जानकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी हमें रिस्पांसेस मिल रहे हैं ऑडियंसेस से सो दे आर अमेजिंग एंड आई थिंक एक जो हमारा सपना था कोठारे विजन का मेरे हस्बैंड आदिनाथ कोठारे उनका जो सपना था कि ऐसा कुछ म्यूज़िकल आविष्कार होना चाहिए तो वो जी युवा की सपोर्ट के वजह से साकार हुआ ये हमारा सपना और आज उसे बहुत ही अच्छे TRPs भी मिल रहे हैं और अभी आगे आगे भी बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकार इस शो पर आने वाले हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी ये शो ज़रूर देखें इंडस्ट्री से आपको क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिले रिगार्डिंग दिस शो इंडस्ट्री से भी बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं एंड हमारा पहला एपिसोड इनफैक्ट उस एपिसोड में शंकर महादेवन जी थे पहले 2 एपिसोड्स मतलब वेडनेसडे और थर्सडे 1 मार्च और 2 मार्च वॉज शंकर महादेवन और मराठी के बहुत ही प्रिय कलाकार और गायक कटियार का आज़ाद घुसली में जिन्होंने अरुणी किरणी ये चीज़ गाई थी वो महेश काळे वो शंकर जी के साथ महेश काळे तो उनकी जुगलबंदी वो एपिसोड में जो हुई थी तो मतलब इतनी माइंड ब्लोइंग हुई थी कि लोग पीपल वर मेस्मराइज्ड विद द एंटायर शो एंड बहुत सारे इंडस्ट्री से भी हमें हमारी मराठी इंडस्ट्री से भी बहुत सारे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हैं लोगों की तरफ से मेरा तो सिंगिंग रियलिटी शो जो फेवरेट है वो ऑफकोर्स सरगम है और उस शो की मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हूँ और उस शो की मैं एंकर भी हूँ मैं होस्ट करती हूँ वो शो और मुझे
मुझे मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को, क्योंकि इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ उनके एक्सपीरियंस शेयर करने का अवसर मुझे मिला है. सो आई थिंक आई एम वेरी लकी. कल गुड़ी पाड़वा है, इट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल फॉर द महाराष्ट्र पीपल. व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल ऑफ द महाराष्ट्र पीपल? व्हाट यू वांट टू से टू देम? सारे महाराष्ट्रीय लोगों को मी मराठीतच मेसेज देऊ इच्छिते, कारण की मी महाराष्ट्रीय माणसांना, प्रत्येक महाराष्ट्रीय माणसाला हा मेसेज देऊ इच्छिते की उद्या गुढीपाडवा आहे. तर मला वाटतं आपण सगळ्यांनीच सक्रिय असावं, चांगलं काम करावं, आपल्या कामावरती आपला विश्वास असावा आणि कायम एक पॉझिटिव्ह विचार मनात ठेवावा आणि पुढे जावं, मग यश नक्कीच तुम्हाला मिळेल. असं मेरे तो बहुत सारे गाने हैं जो मुझे ऐसा तो मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन मेरे बहुत सारे फेवरेट गाने हैं. मैम जब भी कल गुड़ी पाड़वा है, कोई ऐसी मेमोरी आपकी बचपन या कॉलेज की कुछ शेयर करना चाहिए आप सेलिब्रेट करते हैं? गुड़ी पाड़वा के दिन एक्चुअली आई लुक फॉरवर्ड फॉर गुड़ी पाड़वा, क्योंकि मेरी शादी हो गई उसके बाद मैं जब कोठारे परिवार में एंटर किया मैंने, तभी मेरा पहला गुड़ी पाड़वा था. तब हमारे घर पे एक पाठारे प्रभु स्पेशलिटी डिश बनती है जिसको कहते हैं साखर भात और मटना सा गोड़, और ये एक स्पेशल डिश होती है जो साल में एक ही बार बनती है गुड़ी पाड़वा के दिन. तो हम सभी वी आर वेटिंग के कब गुड़ी पाड़वा आएगा और कब हमें साखर भात और गोड़ मटन हमें खाने मिलेगा. तो कल गुड़ी पाड़वा है, तो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. मराठी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत ही सराहा गया, बहुत चला गया, जैसे फिल्म फेयर आने लगे हैं. सैराट मूवी के बाद काफ़ी बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस काम करने का कोलैबोरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक सलमान, बहुत से ऐसे लोग. इस तरीके से इस जो न्यू जर्नी जो चालू थी, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, कैसा देखते हैं? डेफिनेटली एक क्या कहते हैं, इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स प्रोग्रेस. मराठी इंडस्ट्री इज़ गोइंग, मतलब सात समुंदर पार जा रही हैं विथ सैराट एंड विथ वेंटिलेटर जो प्रियंका चोपड़ा जी ने प्रोड्यूस किया था. सो आई थिंक ऐसे ही बड़ी बड़ी फिल्में मराठी में आनी चाहिए. और मेरे ख्याल से इवन मराठी टेलीविज़न अभी बहुत बड़ा होते जा रहा है. मराठी रियलिटी शोज़ पे हिंदी फिल्म प्रमोट करने बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द मराठी फिल्म इंडस्ट्री.